हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम कुछ स्ट्रिंग के मोस्टली यूज़ होने वाले फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं फंक्शंस के बारे में, तो ये भी बहुत यूज़फुल फंक्शंस हैं। तो इनमें से सम यूज़फुल फंक्शंस हैं रिवर्स, रिप्लेस, रिपीट, लेंथ और कनकेटिनेट। रिवर्स फंक्शन रिवर्स ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करता है और हमको रिजल्ट रिटर्न करता है। जैसे हमारी कोई टेबल है, उस टेबल का कोई कॉलम है, मान लीजिए कि टेबल का कॉलम है हमारा एम्प्लॉय नेम, और हमें एम्प्लॉय नेम रिवर्स में चाहिए, तो हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके उस सेलेक्टेड कॉलम जो एम्प्लॉय नेम है उसको पास करेंगे और हमें रिवर्स में रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं कि क्या कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पर इसके फील्ड्स हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड सैलरी। हम फर्स्ट नेम को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी होगी, तो हम क्वेरी राइट करेंगे यहाँ पे। ये हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सभी रिकॉर्ड फैच करने के लिए हम यहाँ पे रिवर्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें पास करेंगे हम फर्स्ट नेम कॉलम। तो इस तरह से हमें फर्स्ट नेम जो है एम्प्लॉय का, वो हमें रिवर्स ऑर्डर में मिलना चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अनुज का जूना हो गया है, जोनम हो गया है, मनोज का निबोर हो गया है। तो ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में हमारे यहाँ पे नेम प्रिंट हो गए हैं। अब इसी तरह से हम फिर से जाते हैं टेबल पे। अब हमें क्या है, टेबल की सिटी रिवर्स ऑर्डर में निकालनी है हमें, तो हम उसके लिए रिवर्स फंक्शन में हम पास करेंगे सिटी कॉलम, जिस भी कॉलम को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, और एग्जीक्यूट करेंगे इसे। तो देखिए हमारी जो सिटी है दिल्ली, ये रिवर्स हो गई है। गाज़ियाबाद ये रिवर्स हो गई है। इस तरह से हमारी सारी सिटीज़ रिवर्स हो गई हैं। तो ये हमारा फंक्शन है बहुत यूज़फुल रिवर्स करने के लिए यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग को। तो ये था हमारा रिवर्स फंक्शन का यूज़। आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिवर्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसकी किसी भी सब स्ट्रिंग को हम किसी नई स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं। मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी भी, मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर ए बी लेटर है, कोई भी कोई नाम है, मान लीजिए मोहन, मोहन के अंदर एम ओ लेटर को हम रिप्लेस करना चाहते हैं ए बी से, तो मोहन के अंदर जितने भी एम ओ होंगे वो हमारे ए बी से रिप्लेस हो जाएंगे। जितने भी हमारी स्ट्रिंग अकर हो रही है उसमें जितनी भी बार हो, वो एम ओ एक बार है या पांच बार है, वो सभी ए बी से रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस फंक्शन का हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ पर सेलेक्ट रिप्लेस फंक्शन, यहाँ पर स्ट्रिंग जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो पास करते हैं। फ्रॉम स्ट्रिंग मतलब इसमें से कुछ सब स्ट्रिंग जो हमें रिप्लेस करनी है, और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग जो इसे रिप्लेस करेगी। फ्रॉम टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम हम लेंगे। तो ये सिंटैक्स हो गया रिप्लेस का। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो ये हमारी टेबल है एम्प्लॉय, हम यहाँ पे हमारा एड्रेस है, तो इस एड्रेस में जितने भी ए हैं उन सभी को हम रिप्लेस करेंगे जेड से। तो ये हमारा इसमें रिवर्स, इसमें हमारा रिप्लेस फंक्शन का यूज होगा, सेलेक्ट रिप्लेस। इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे एड्रेस, और एड्रेस कॉलम पास हो गई है। अब हमें एड्रेस में जितने भी
ए लेटर हैं वो रिप्लेस करने हैं किससे, जेड से। ये हमारी क्वेरी हो गई है। इसमें ऑर्डर बाय हटा देते हैं, ये सेलेक्ट रिप्लेस एड्रेस। अब इसमें एड्रेस के अंदर जितने भी हैं वो जेड से रिप्लेस हो जाएंगे। हम एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को और ये है हमारा, देखिए इन सभी एड्रेस में ए नहीं है और ए जहाँ जहाँ पे था वो सभी जेड से रिप्लेस हो गया है, ए की जगह हमारा जेड आ गया। तो ये है हमारा रिप्लेस फंक्शन, किस तरह से हम किसी भी करेक्टर को, सब स्ट्रिंग को किसी दूसरी सब स्ट्रिंग से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। तो आई थिंक आपको रिप्लेस फंक्शन भी समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारा, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिपीट। रिपीट फंक्शन एक स्ट्रिंग को कितनी भी बार रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब रिपीट ए स्ट्रिंग एज मैनी टाइम्स एज स्पेसिफाइड। मतलब कि ये हमारा सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार इसका, कि सेलेक्ट रिपीट स्ट्रिंग नंबर फ्रॉम टेबल नेम। मान लीजिए फर्स्ट नेम हमारी जो एम्प्लॉय टेबल थी उसका फर्स्ट नेम है रोहित। अब हम रोहित को अगर हम सीधा सीधा यहाँ से फर्स्ट नेम प्रिंट करें तो हमें सीधा सीधा रोहित प्रिंट करेगा, और हम चाहते हैं कि रोहित हमारा तीन बार प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे स्ट्रिंग पास होगी हमारी कॉलम फर्स्ट नेम और यहाँ पे नंबर कितनी बार हमें प्रिंट कराना है, तो नंबर 3 तीन बार प्रिंट कराना है, 2 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं हमारा, जब हम इसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे टेबल में तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। ये हमारी टेबल है एम्प्लॉई, यहाँ पे तो क्वेरी लिखते हैं हम, फर्स्ट नेम जो है इसको 3 बार प्रिंट कराएंगे, देख लेते हैं इसके लिए। अभी हमने यहाँ पे विदाउट रिपीट फंक्शन हम लिखते हैं फर्स्ट नेम और एग्जीक्यूट करते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये अनुज, मनोज, रोबिन, रजत, रतन, ये सभी फर्स्ट नेम जो हैं सिर्फ सिंगल टाइम प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल टाइम हमें आउटपुट मिल रहा है। और अगर हम रिपीट, हमें इनको थ्री टाइम हमें इसको प्रिंट कराना है 3 बार, तो हम उसके लिए रिपीट फंक्शन यूज़ करेंगे, रिपीट यहाँ पे हम सेलेक्ट कॉलम पास करेंगे, यहाँ पे नंबर कितनी बार हमें ये प्रिंट कराना है। देखिए यहाँ पे अनुज, अनुज, अनुज 3 बार प्रिंट हो गया, मनोज, मनोज, मनोज 3 बार, रोबिन, 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 तो 3 बार हमारा ये प्रिंट हो गया है। रिपीट फंक्शन, आपको रिपीट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 10 टाइम्स प्रिंट कराऊँ, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये 10 टाइम्स हमारा यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा है। ये यहाँ पे मोहित, 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 यहाँ पे डेड, डेड, डेस आ रहा है, ये 10 टाइम्स यहाँ प्रिंट कर रहा है। स्पेस है तो ये नहीं ले पा रहा है इस तरह से, आगे भी देखिए जब कम स्पेस पड़ रहा है डेड, डेड, डेस ले रहा है, लेकिन ये 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको रिपीट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेंथ। लेंथ जो फंक्शन है हमारा, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हमें लेंथ प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमें कोई, जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम कितने करेक्टर हैं, तो हमें वो लेंथ इससे मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल हमारा ये फंक्शन है, इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट लेंथ, सेलेक्टेड कॉलम हम यहाँ पे पास करेंगे फ्रॉम सेलेक्टेड टेबल से, ये हमारा हमें लेंथ दे देगा कितने करेक्टर की हमारी स्ट्रिंग है। तो इसका भी प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं। तो ये टेबल है हमारी, फिर से हम आ गए अपनी टेबल एम्प्लॉय में, यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिलेक्टेड कॉलम पास करते हैं फर्स्ट नेम।
तो देखिए यहाँ पे हम नेम भी अपना रख लेते हैं समझाने के लिए। फर्स्ट नेम, ये देखिए अनुज। अनुज में कितने करेक्टर है हमारे? चार करेक्टर हैं, तो यहाँ पे चार हमें रिटर्न कर दिया इसने। मनोज में पांच है तो पांच कर दिया। मोहित, ये स्पेस भी काउंट करता है, इसमें मोहित में स्पेस है तो इसलिए ये 16 करेक्टर। सुधा में स्पेस है तो ये 7 करेक्टर। अंकुश में कोई स्पेस नहीं, 6 करेक्टर। तो जितनी भी स्ट्रिंग होगी स्पेस के साथ वो हमें यहाँ पे उसके करेक्टर प्रोवाइड कराता है। तो हम देख लेते हैं और भी कोई कॉलम, हम एड्रेस पास कर लेते हैं इसमें, एड्रेस में और भी ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे एड्रेस पास करते हैं। यहाँ पे लेते हैं एड्रेस, देखिए एड्रेस में कितने कितने करेक्टर हैं। 17 लेंथ है इसकी, इसकी 12 17 12 14 10, तो ये हमारे एड्रेस की लेंथ है। तो इस तरह लेंथ से हम पता कर सके कितने करेक्टर हैं हमारे किसी भी स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो नेक्स्ट हमारा जो है यह है कनकेट, कनकेट फंक्शन। कनकेट फंक्शन क्या होता है? दो स्ट्रिंग को या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ये हमारा कनकेट कर सकता है, एक साथ उनको ऐड कर सकता है। ये इसका हमारा सिंटैक्स है, सेलेक्ट कनकेट एड्रेस, फिर इसमें कोई स्पेस दिया है, स्पेस पोस्टल कोड स्पेस सिटी एज एड्रेस। स्पेस की जगह हम कोई और भी करेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं इनको कनकेट करने के लिए, और कुछ भी करेक्टर हम नहीं भी ले सकते हैं इनको। अगर हमें कनकेटिनेट में कोई करेक्टर नहीं रखना है तो भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ये मैंडेटरी नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं हम कि टेबल में एग्जीक्यूट करके। तो ये हमारी टेबल है, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकेट करते हैं। कनकेट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारी अनुज कुमार, मनोज गोयल, रॉबिन सिंह, ये हमारी दो कॉलम कनकेटिनेट हो गई हैं, एक साथ ऐड हो गई हैं। अब हम इसमें चाहते हैं कि हमारा कुछ रीडेबल मोड में आए तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्पेस डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ पे दो कॉलम और एक स्पेस यहाँ पे कनकेटिनेट होगा, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अनुज कुमार गोयल, अब ये रीडेबल फॉर्म में आ गया है, हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कनकेटिनेट कर सकते हैं। और इसको हम कुछ भी करेक्टर यहाँ पे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, देखिए मैं कुछ भी करेक्टर डाल सकता हूँ यहाँ पे और वो हमारा कनकेटिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कनकेटिनेट फंक्शन समझ में आ गया है। तो आई होप आपको कनकेटिनेट फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये हमारे पांच फंक्शन थे जो काफ़ी यूज़ में आते हैं हमारे MySQL में, और हम आगे भी कुछ फंक्शन सिस्टम के और आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए।